यीशु बुला था तुम्हें। Hello dear friends and welcome to the presence of the living God. हेलो प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं। There's a beautiful scripture in the Bible. बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत एक वचन है। If God be for us, who can be against? यदि परमेश्वर हमारे तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? In all these things we shall be more than conquerors through him who loved us. और जिसने हमको प्यार किया, इन तमाम बातों में हम जीवन से भी जीवन भरा जीवन को जी सकते हैं। Romans 8:31, रोमी 8 उसका 38 में लिखा है। Romans 8:37 says this, और रोमी 8 उसका 37 में ये लिखा हुआ है। In all the things of the world, दुनिया की सारी चीजों में, you will be more than conquerors. आप जीवन से भी जीवन भरा जीवन रखेंगे। Jesus loves you. यीशु आपको प्यार करता है। As the Holy Spirit fills you, जब पवित्र आत्मा आपको भर देगा, He lifts you up from the earthly level to the heavenly level. और आपको पृथ्वी से उठा के आसमान की ऊंचाई में ले जाएगा। And you become more than a conqueror. और आप जीवन से भी जीवन भरा जीवन में जिएंगे। No evil power, no work of the devil, no evil of this world can ever touch you. कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति, इस संसार की शक्ति आपको कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब आइए हम डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा रायपुर के सेंट पॉल चर्च में दिए गए संदेश के एक अंश को सुनकर आशीषें प्राप्त करें। This morning the Lord showed me Jeremiah 29:11 for our meditation. और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन बताया। This is the promise God has given us. और ये वो वायदा है, ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमें देता है। He says, "For I know the plans that I have for you." और वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। Plans to prosper you. और वे योजनाएं तुम्हारे कुशल की हैं। And not to harm you. तुम्हारी हानि की नहीं है। Plans to give you a hope and a future. और तुम्हें एक आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना। The Lord asked me to tell you this morning, आज की सुबह परमेश्वर ने कहा मुझे आपसे कहने के लिए, that he has planned a future with hope for you. कि उसने आपका भविष्य जो है एक बड़ी आशा के साथ योजना उसकी बनाई है। You are not going to sit in the harm that has been done to you. और आप उसी हानि में नहीं बैठेंगे जो जो आपके विरोध में हुई है। You are not going to sit and cry being oppressed by the harm that has come to you. और जो हानि या घटी आपकी हुई है, नुकसान जो आपका हुआ है, उसी जगह पर बैठकर आप उस विषय में अब रोते नहीं बैठेंगे। The Lord asked me to tell you by the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा आपसे कहने के लिए उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। Today he is changing everything in your life. आज से वो आपकी जिंदगी की हर बातों को बदल देगा। He is creating a brand new future which will give you hope. और आपके लिए वो एक नया भविष्य तैयार कर रहा है जिसके द्वारा वो आपको आशा देगा। Are you ready to receive it? क्या आप तैयार हैं उसे पाने के लिए? Why don't you shout a hallelujah to God? तो आप परमेश्वर के लिए हालेलुया क्यों Praise नहीं कहते? The Lord. प्रभु की स्तुति हो। How does this days of sorrow come to a person? अब किस प्रकार से ये विलाप के दिन किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं? If you read Genesis 3:16, यदि आप उत्पत्ति 3:16 को पढ़ें, that is when Days of sorrow started in the earth. और ये वो दिन है जब पृथ्वी पर विलाप और शोक के दिन का प्रारंभ हुआ था। Why days of sorrow came into the world? क्यों विलाप और शोक का दिन इस दुनिया में आया? It was the first man, Adam, and the first woman, Eve, sinned against God. और इसकी वजह ये हुई कि जो प्रथम मनुष्य आदम था और जो प्रथम स्त्री हव्वा थी, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। They disobeyed God. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। Disobedience to God परमेश्वर के प्रति आज्ञा नहीं मानी। Has brought sorrow to our lives. उसकी वजह से हमारे जिंदगी में शोक और विलाप आता है। Sorrow in our bodies. हमारे शरीर में दुख आता है। Sorrow in our families. हमारे परिवार में दुख आता है। But लेकिन God is a God of compassion. लेकिन परमेश्वर हमारा तरस का परमेश्वर है। He said, "How long my children will suffer?" वो कहता है कि मेरी संतानें कब तक दुख उठाएंगी? Let me make a way. मैं उनके लिए रास्ता तैयार करता हूं। It is man who has disobeyed God and brought the wrath of sorrow upon himself. और ये मनुष्य था जिसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपने ऊपर विलाप और परमेश्वर का क्रोध ले आया। So God said, तो परमेश्वर कहता है, Let me take the form of a man.
कि मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा. Let me go also as a man. और मैं भी मनुष्य रूप लेकर मैं जाऊंगा. Perfect in holiness. और पवित्रता में एकदम सिद्ध. But he said, let me humble myself. लेकिन उसने कहा कि मैं अपने आप को नम्र करूंगा. Leave my glory. मेरी महिमा को मैं छोड़ दूंगा. And go into the world of sorrow. और दुख से भरे हुए इस संसार में मैं जाऊंगा. Go into the world of sin. पाप भरे इस दुनिया में मैं जाऊंगा. Go into the world of pain brought by sin. और फिर पाप की वजह से जो पीड़ा आई है ऐसे संसार में मैं जाऊंगा. And he took the form of a man. और तब उसने मनुष्य रूप धारण किया. And according to Philippians chapter 2 and verse 8. और फिलिपियों के पत्री दूसरा अध्याय आठवें वचन के आधार पर. The Bible says. बाइबल कहती है. The Lord Jesus came in the form of a man. कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए. He humbled himself. उन्होंने अपने आप को दीन किया. He became obedient to death. और मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहे. Even the death on a cross. और उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सहली. The most treacherous wrath a man can go through in this world is the suffering of being nailed to the cross. और इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पीड़ा के दौर से अगर कोई जा सकता है तो वो था क्रूस पर कीलों से जकड़ा जाना. इतनी पीड़ा उसने सही. Jesus said, let me become a man. यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा. Let me carry the sins of the whole world. और मैं सारी दुनिया के पापों को उठाए लिए चलूंगा. Let the sorrow of sin come upon me. और ये जो पाप की वजह से पीड़ा जो दुख आया है मुझ पर आ जाए. The wrath of sin come upon me. पाप का दंड मुझ पर आ जाए. Let me be claimed as a sinner. और होने दे कि लोग मुझे पापी की तरह से कहें. Even though I know no sin. भले मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैं पाप से अनजान हूँ. Even though I have never tasted sin. और भले मैंने कभी भी पाप चखा भी नहीं है. Yet let me become sin for my children. फिर भी मैं अपनी संतानों के लिए पाप बन जाऊंगा. He became a man. और वो मनुष्य बन गया. And he endured the wrath of every one of us caused by disobedience and sin. और पाप और आज्ञा न मानने की वजह से जो दंड हमारे ऊपर आया था वो सारा दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया. And he suffered that wrath for our sins. और उन्होंने वो दंड जो है हमारी पापों के लिए चुकाया. And he prayed from the cross. और क्रूस पर से उन्होंने प्रार्थना की. In Luke 23 and verse 43. लेखा 23 और 43वें वचन में. As he spoke to the thief, he said, "Today you will be in paradise with me." और उन्होंने चोर को ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा. And in verse 34 he cried. और फिर 34वें वचन में वो उसने जोर से पुकार कर कहा, मेरे पिता, Heavenly Father, हे मेरे स्वर्गीय पिता, forgive mankind. मानव जाति को माफ कर. Forgive them for they know not what they are doing. इन्हें माफ कर पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. और वो उसने हमारे लिए और हमारे पापों के धोए जाने का रास्ता उसने तैयार किया. Shed his blood for us. हमारे लिए अपने लहू को बहाया. The holy blood. पवित्र लहू. And the Bible says in 1 John 1:7. और पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है. Today we can come out of our sorrow caused by the wrath of sin. और आज हम पाप की दंड की वजह से जो विलाप हमारे जीवन पर है हम आज उससे बाहर आ सकते हैं. Jesus says, "Come to me, my children." और यीशु मसीह ने कहा मेरी संतानों मेरे बच्चों मेरे पास आओ. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. All you that labor and are heavy laden with the wrath of sin, come to me. पाप की वजह से हे सभी परिश्रम करने और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. I, Jesus, will give you rest. मैं यीशु तुम्हें विश्राम दूंगा. I'll wash you with all my blood to cleanse you from the wrath of sin. और फिर अपने लहू से मैं तुम्हें धो दूंगा ताकि पाप का जो दंड तुम्हारे ऊपर आया है उससे तुम धुलकर शुद्ध और साफ हो जाओ. धन्यवाद यीशु. And he says in John 16:20. और यूहन्ना 16:20 में वो कहता है, You will see me again. कि तुम मुझे फिर देखोगे. You will see me again. तुम मुझे फिर देखोगे. When you see me, जब तुम मुझे देखोगे, your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारा शोक तुम आनंद में बदल जाएगा. Till now you may have been seeing only the wrath of sin and sorrow. और आज तक हो सकता है आपने पाप का दंड और पाप का विलाप ही देखा But होगा. Today you can see Jesus. लेकिन आज आप यीशु को देखेंगे. You can see Jesus. आप यीशु को देखेंगे. Come to Jesus. तो यीशु के पास आए. He
will come to you. वो आपके निकट आएगा. He will not cast you away. वो आपको अपने से दूर नहीं करेगा. He will turn your sorrow into joy. और वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा. No more condemnation. और अब दोष की भावना नहीं no रहेगी. No more sinful pleasures. और अब पाप की लालसा नहीं no रहेगी. No more addictions. नशे की आदत नहीं no रहेगी. No more guilt that you have destroyed your family because of your sin. आपके पाप की वजह से आपने अपने परिवार को नाश किया. ये दोष और खेद की भावना आप में नहीं रहेगी. You will see Jesus, the savior of your life. और आप जो है यीशु मसीह को देखेंगे जो आपके जीवन का उद्धार करता है. He will cleanse you. वो आपको शुद्ध करेगा. He will cleanse all your sin. वो आपके सारे पापों को साफ करेगा. Turn your sorrow into joy. और वो आपके विलाप को आनंद में बदल देगा. In one of our public meetings, हमारी ऐसी जनसभा में, nearly 2 lakhs people were there. ये ऐसी सभा थी जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे. As I was praying for the people from the platform, और जैसे हम मंच पर खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, suddenly the Lord showed me the name of a person who was in the crowd. और अचानक से परमेश्वर ने मुझे उस व्यक्ति का नाम बताया जो व्यक्ति भीड़ में वहाँ बैठा था. And the Holy Spirit showed me that person's name is Prasad. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि उस व्यक्ति का नाम है प्रसाद. There is a person called Prasad. यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रसाद है. Mr. Prasad. श्री प्रसाद. You have come here even now suffering with the problem of the sinful acts that you have committed just now. आप यहाँ पर आए हैं लेकिन आप बहुत बड़े पीड़ा में हैं जिसका कारण यह है कि आपने अपने जीवन में हाल ही में पाप किया है. You are feeling that blood is surrounding you and the guilt is tormenting your heart. You have no way to live in this world. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चारों ओर से आपको खून घेरा हुआ है और आपकी आत्मा आपको कचोट रही है और आप सोच रहे हैं कि अब कोई भी रास्ता नहीं है. Jesus Christ cleanses you with his blood right now. यीशु मसीह आपको अपने पवित्र लहू से धो. Every hard heart is melting right now by the power of the Holy Spirit. हर कठोर हृदय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिघल रहा है. You won't believe. आप विश्वास नहीं करेंगे. When the meeting was over. जब सभा समाप्त हुई. One man came running to the platform. एक आदमी दौड़ता हुआ मंच के ऊपर आ गया. He was very well dressed. और अच्छे कपड़े पहन रखे थे. And he was in tears. और वो आंसू में रो रहा था. He said, "Sir." उसने कहा, श्रीमान. I was walking on the road. मैं रोड पर चल रहा था. I saw this big crowd. मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा. I was standing at the back listening to you. और मैं वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ तुम्हारी बातें सुन रहा था. I do not know anything about Jesus. यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है. But when you called my name, लेकिन जैसे ही आपने मेरे नाम को पुकारा, something came into my heart. कुछ तो था जो मेरे हृदय के अंदर आ गया. A feeling of helplessness came. और फिर मैं एकदम असहाय हूँ ऐसी भावना आ गई. Before 2 lakhs people, he said. और 2 लाख लोगों के सामने उसने कहा, ब्रदर गारु पेर पेट पिलिचि प्रसाद నీ మనసంతా కల్మషంగా ఉన్నా. నువ్వు ఒక అమ్మాయి విషయంలో నేను తప్పుదం చేశానండి, చేసినప్పుడు దాన్ని నాకు చూపించాడు. ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ హి గేవ్ హిస్ లైఫ్ టు జీసస్. ఆర్ మంచ్ పర్ ఆకర్ ఉస్నే అప్నా జీవన్ ప్రభు యేషు మసీకు దియా. అప్పుడు నేను అకాశం వైపు ఇలా ఎత్తి నేను ఒళ్ళంతా నాకు వైప్రెషన్ వచ్చి నేను పైకి చూస్తే నాకు యేసు ప్రభు పైనుంచి నాకు రక్తదారులతో నాది మొత్తం శరీరం భాగంలో రక్తం పడిపోతుందండి. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఒకటి అన్నగారు చెప్పినప్పుడు నా యొక్క శరీరం అంతానికి మొత్తం రక్తంతో Don't be afraid, my brother. और इसलिए आप डरे नहीं मेरे भाई. Don't be afraid, my sister. मेरी बहन आप डरे नहीं. Even this morning. इस सुबह में भी. All the sorrow caused by sin will go. और पाप की वजह से जो दुख आपके जीवन में आया वो सब चला जाएगा. Because Jesus has paid the price for you. क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी कीमत को अदा किया है. He will transform your life. वो आपकी जिंदगी को बदल देगा. And you will see him today. और आज आप उसे देखेंगे. Open your heart to Jesus. और इसलिए अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोलें. He will turn your sorrow into joy. वो आपके विलाप को आनंद में बदल देगा. That we have hope in Jesus. यीशु मसीह में हमारे लिए आशा है. My friends, I'm ready to pray for you now. मित्र, मैं तैयार हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ. Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. You have not asked anything so far. तुमने अब तक कुछ भी नहीं मांगा. Please ask. कृपया मांगिए. So that when I give you those blessings, your joy will be full.
और जब तुम इन आशीषों को पाओ तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए. Yes, he will give you until you laugh and laugh and laugh without measure. और आपको वो जब देगा तो आप ऐसे हंसे जिसका कोई भी नाप ना हो. That's the blessing that's going to come upon. और ऐसे आशीष प्रभु आपके देने वाला है. Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Father, पिता, remember your children. अपने बच्चों को स्मरण कीजिए. Lord bless them. प्रभु उनको आशीर्वाद दीजिए. Right now I pray. इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ. That your Holy Spirit shall flow into everyone who is praying with us. जो हमारे साथ मिलके प्रार्थना कर रहे सबके पर में आपका पवित्र आत्मा का बहाव होने पाए. Holy Spirit enter into everybody, Lord. पवित्र आत्मा सबो के अंदर में प्रवेश कीजिए. It is the Lord entering into them. और प्रभु आप उनके अंदर में प्रवेश कीजिए. Let your anointing come upon your children now. और आपके बच्चों के पर में आपका अभिषेक आने पाए. Fill Lord. प्रभु Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु. In Jesus name. यीशु के नाम में. Fill. भर दीजिए. So that their joy may be full. ताकि उनका आनंद परिपूर्ण हो जाए. Let them see Jesus coming into them. वो यीशु को देख सके जो उनके अंदर में आ रहा है. The Holy Spirit coming into them. पवित्र आत्मा उनके अंदर में आ रहा है. The power of God filling them. परमेश्वर का सामर्थ उनको भर रहा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. In Jesus name. यीशु के नाम में. Must स्वामी, make them your prophets. अपने भविष्यद्वक्ता इनको बनाइए. Make them your prophetesses. प्रभु जी, इनको अपने भविष्यद्वक्ता बहनों को भी बनाइए. Let the prophetical anointing come upon your children now. और आपके भविष्यद्वक्ता की आत्मा लोगों के पर में, अपने बच्चों के पर में इसी समय आ जाए. Let them speak in the heavenly languages. वो स्वर्गीय भाषा में बोले. Speak in Jesus name. यीशु के नाम में बोले. Let the fire of the Holy Spirit fall. पवित्र आत्मा का आग उतर जाए. Fall. उतर जाए. Fall. उतर जाए. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. In Jesus name. यीशु के नाम में. Now let them prophesy. अब होने दे कि वो भविष्यवाणी करे. Prophesy. भविष्यवाणी करे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Lord, you have said. परमेश्वर आपने कहा. In the last days I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. अंत के दिनों में आप अपने आत्मा सारे प्राणियों के पर में उड़ने लगे. आपने कहा है. Your sons and your daughters shall prophesy. आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे. Let the young people prophesy. और होने दे जवान बच्चे भविष्यवाणी करें. यीशु, Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. Fill Lord. भर दीजिए प्रभु जी. Fill them with the gift of prophecy. प्रभु जी, भविष्यवाणी के वरदानों से जवानों को भर दीजिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Lord, you have said. प्रभु, आपने कहा. Your young men shall see visions. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. Now let them see visions in Jesus. यीशु के नाम में वो अभी दर्शन देखने पाए. Open their eyes. उनके आंखों को खोलिए प्रभु. Till now they have seen only blood. अब तक प्रभु उन्होंने सिर्फ चीजों को रुकावट देखी. They have seen sinful things. उन्होंने प्रभु जी पापरी चीजों को देखा है. They have seen disappointment. उन्होंने निराशाओं को देखा है. And now on, let them see visions of Jesus. होने दे अब से वो यीशु के दर्शन को देख सके. Lord, do miracles. परमेश्वर, चमत्कार कीजिए. Open their eyes. उनके आंखों को खोल दीजिए. शक्ति और स्वप्न छोड़ के जाए. Let them see dreams of Jesus. वो यीशु के स्वप्न को देखें. Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु करने के लिए. My children should foretell the future. आपके बच्चे भविष्य की बातों को बोल सके. Not in the spirit of the flesh, but by the spirit of God. सारे एक आत्मा में नहीं, लेकिन आत्मा परमेश्वर के आत्मा में होके. They shall not foretell lustful things of the world, but they shall speak what God has planned for the nations and the people. और दुनिया की अभिलाषा की बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को बोले जो प्रभु ने देश के लिए रखा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु करने के लिए. Fill every church and every ministry with prophets. हर एक भविष्यवाणी की बातों से कलीसियाओं को भर दीजिए. Thank you for doing it. धन्यवाद प्रभु करने के लिए. Make them prosper. उन्हें प्रभु जी उन्नति दीजिए. We love you, Lord.
आपको प्यार करते प्रभु, we love you, प्यार करते in Jesus name, यीशु के नाम में, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God has done great things. परमेश्वर ने महान काम किया है. Keep on praising Him. उसकी स्तुति करते रहें. The prayer may be over now. हो सकता है प्रार्थना भी समाप्त हो गया हो. But the power of God is still falling. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य अभी भी काम कर रहा है. Close your eyes. अपने आंख बंद करिए. Kneel down if you can. यदि आप घुटना टेक सकते कीजिए. Even after the program is over, keep on praising God. प्रोग्राम खत्म भी हो जाए तो भी आप प्रभु की स्तुति करते रहें. You shall see miracles from now on. आप अभी से चमत्कार को देखेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. You shall be a miracle worker. आप एक चमत्कार करने वाले प्रभु आपको बनाएगा. Because the great God is with you. क्योंकि महान परमेश्वर हमारे साथ हैं. Read the Bible. बाइबल को पढ़िए. Every day. हर एक दिन. Especially the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. और विशेष करके चारों सुसमाचार को मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना को जरूर पढ़िए. Tell you all about Jesus. आपको यीशु के बारे में सारी बातें बताएगा. You will know him. आप उसको जानेंगे. Even as you read it, God will open your eyes. जब आप पढ़ेंगे, प्रभु आपकी आँख को खोलेगा. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.